प्रियंका, आज मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम हमेशा हमारे लिए चैलेंजेस लेकर आती हो, कभी ये कभी वो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम्हें चैलेंज दूँ। तो ये चैलेंज बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि बाकी सबको भी हम बुला लें यहाँ पे। ओके तो गाइस, ये सब यहाँ पर आ गए हैं, तो मैं इनको बताना स्टार्ट करती हूँ कि आज का चैलेंज क्या है। आज का चैलेंज है कुकिंग चैलेंज, यानी मास्टर शेफ चैलेंज। तो गाइस, आप देख ही सकते हो कि दो लोग इधर खड़े हैं एंड दो लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो टीम्स ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुकी है, प्रियंका एंड पूर्वी एंड साक्षी एंड खुशी। तो अब करना क्या है, इन दोनों टीम्स को मिलने वाले हैं 30 मिनट्स। गाइस 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, और मैं जो इनके लिए लेकर आई हूँ मैं लेकर आती हूँ। पेट रुकना ही पेट, ठीक है। तो गाइस, ये है तुम्हारा गिफ्ट। दो थालियाँ हैं मेरे हाथ में, एक ये थाली है एक ये थाली है। मतलब दोनों थाली में ना बहुत ही सिमिलर से फूड आइटम्स है। ये तो मैं मेरी तरफ से लेकर आई हूँ, बाकी तुम्हें अपनी बुद्धि दौड़ानी है अच्छे से। चलो गाइस, एक एक पकड़ लो। तो हम बताते हैं, ये है पनीर, ये है मैगी, एंड यहाँ पे दो टमाटर है, ये हमारा कुकुम्बर खीरा, एंड यहाँ पे है ये सूजी। okay. और इस वाली थाली में है मैगी, कुकुम्बर, पनीर, टमाटो, बट यहाँ पे ये थोड़ा चेंज है, बेसन है यहाँ पे। तो ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। ऐसे तो तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स हो गए जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, लेकिन बाकी तुम अपने क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, फूड के साथ क्या क्या बना सकते हो, वो तुम्हारे इस दिमाग पे डिपेंड करता है। और गाइस, आप देखो चैलेंज बेसिकली है क्या, ये जो चैलेंज में ना दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मतलब एक ही टीम को दो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट तो ये होगा, तो गाइस ये जो हमारी थाली है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस है हमारी दोनों थालियों में। तो इनको करना क्या है, अलग अलग फूड आइटम यानी डिशेस से इनको फिल करना है। गाइस, मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों थालियों हमारे साथ साथ बॉक्सेस हैं, तो जो सबसे ज्यादा बॉक्सेस को फिल करेगा, जैसे मान लो इन्होंने की है 6 बॉक्स फिल और इन्होंने की है 7, तो पॉइंट तो इनको सीधा मिल जाएगा बिना टेस्ट कराए मुझे। लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा इनका फूड टेस्ट करने के बाद। जिसके फूड में बहुत ज्यादा टेस्ट होगा उसको मिलेगा वो दूसरा पॉइंट। तो मैं तुमको देने वाली हूँ एक थर्ड एक्स्ट्रा पॉइंट नीट एंड क्लीननेस के लिए, कि जिसकी थाली सबसे ज्यादा क्यूट सुंदर नीट क्लीन होगी उसको मिलेगा वो एक्स्ट्रा पॉइंट मेरी तरफ से। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, गाइस मैं खाली प्लेट दे दूंगी पूजा को, एक पॉइंट तो मुझे मिल ही जाएगा। नीट एंड क्लीन तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ होना भी चाहिए। ऐसा ना हो मैं थाली देखती हूँ बोल रहे थे यार। और गाइस मैं बता देती हूँ कि जो 3 पॉइंट्स है वो कैसे मिलेंगे। फर्स्ट इनके बॉक्सेस का है कि सबसे ज्यादा बॉक्स जो फिल होंगे, एंड सेकंड है टेस्ट का, जो इसका टेस्ट अच्छा होगा उसको मिलेगा, और थर्ड है प्रेजेंटेशन का, कि आप अपनी थाली को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और ये सब इनको करने के लिए मिलने वाले हैं ओनली 30 मिनट्स। गाइज ये बहुत बड़ा चीज है टाइमर का, तो याद रखना 30 मिनट्स। और गाइज अगर 30 मिनट से 1 सेकंड भी अगर इन्होंने ज्यादा किया तो उनकी थाली वही इनवैलिड हो जाएगी। मैं उस थाली को मतलब लूंगी ही नहीं, वो एकदम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा हमारे चैलेंज। तो पूजा आज तुम कितनी बेरहम हो रही हो, तुमने कुछ लिक्विड क्या टाइम वाइम कुछ नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी है। और गाइज एक और ट्विस्ट है, सुनना ही नहीं है जिसके लिए मैंने पानी बॉईल करना रख दिया है। और इस पानी में गाइस मैं चीनी डालूंगी, क्योंकि हलवा बनने में बहुत टाइम लगता है गाइस। और गाइस हमने सोचा है हम पनीर के साथ पनीर भुर्जी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं ये प्याज एंड टमाटर काट रही हूँ ताकि मेरी पनीर की भुर्जी बनती रहे, एंड साथ ही में हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो उसके बाद जब ये बनती रहेगी तब मैं आटा लगाऊंगी और हम बनाएंगे पूड़ी। गाइस 30 मिनट में 7 आइटम्स बनाने, मुझे नहीं पता क्या होगा। चलो अब जल्दी चलते हैं, बात करने का तो गाइस टाइम ही नहीं है। इधर मेरा पानी बॉईल हो रहा है और इधर अब मैं इसमें गाइस सूजी को रोस्ट करूंगी।
गाइज ये मेरी प्याज कट रही है और मैं काटूंगी बारीक, क्योंकि ना पनीर भुर्जी में बारीक ही प्याज अच्छी लगती है। और तवा भी हम चढ़ा देंगे। गाइज आप देख सकते हो पानी बॉइल हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। अब मैं इसमें सूजी डालने वाली हूँ। हम सबसे पहले डेजर्ट ही बना रहे हैं अपना। तो गाइस कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, टाइम बताओ तुम। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टाइम तो नहीं बताऊंगी मैं अभी। ओ यार प्लीज बता दो। दो इतना मार दोगे ना सस्पेंस में। खड़िया खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। गाइस अब मैं जा रही हूँ ये आटा लगाने और यार पूरी थोड़ा सा ही मारेंगे हम। तो गाइस अब ये हमारी सूजी हो चुकी है, अब मैं इस पर पानी ऐड कर रही हूँ। एंड गाइस देखो मेरा आटा भी तैयार ही है ऑलमोस्ट। मेरी मम्मी ने सिखाया था कि जब पूड़ियाँ बनाते हैं तो उसका आटा मरता है टाइट एंड रोटी का थोड़ा ढीला सा। तो दिस इज रेडी फॉर आवर पूड़ीज। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा हलवा भी रेडी है। अब हम जल्दी से इसको बनाने के बाद सब्जी बनाएंगे। गाइस हमारी हलवा बन गया हमारा एंड हमारा ये आटा भी लग गया है। हमारी चॉपिंग हो चुकी है पनीर के लिए। अब मैं डाल रही हूँ ये मैगी कि हम मैगी जल्दी से बना दें। एंड सोच रही हूँ मैं आज भी वो मेरी मिल्क वाली क्रीमी मैगी बना लेती हूँ, इसमें कैसी लगेगी सबको। इस पनीर से मैं दो सब्जी बनाने वाली हूँ। एक बनाऊंगी मैं पनीर की सब्जी और एक बनाऊंगी मैं भुर्जी पनीर की, जिससे हमारे पास दो आइटम होंगे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये जो पनीर है वो अच्छे से मैश कर लिया है और अब ये इसमें ऐड कर रही हूँ। गाइस देखो हमारे पास टाइम कम है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बस बना रहे हैं, अच्छा बन जाए। अब इसमें हम ऊपर से नींबू भी डालेंगे अभी। गाइस खाने से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें रिमाइंडर देने आई हूँ कि तुम्हारे 10 मिनट्स हो चुके हैं। ओके 20 मिनट्स लेफ्ट है तो जल्दी जल्दी करो। ओके ओके ओके। हम यहाँ पर ब्रेड को सेक रहे हैं क्योंकि हम ब्रेड से भी कुछ कुछ बनाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। एंड गाइस इधर मैं ये खीरा काट रही हूँ फॉर सैलेड छोटे छोटे पीसेस में। मैंने ये तवा रख दिया है क्योंकि मैं इस पे जीरा भूनूंगी, क्योंकि हमें मिली थी ये दही तो मैं इस दही का रायता बनाऊंगी। मैंने सोचा जो हमारा पनीर हमने मुझे ये सब्जी बनाई है इससे एक तो ये सब्जी हो जाएगी खाने के लिए, एक मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ब्रेड का यूज करके इसकी सैंडविच बना दे। हम हल्का सा इसमें केचप डाल देंगे। ओके ये हम फैला देंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि पसंद में नहीं होता। एंड गाइस ये थोड़ी सी मैं इसमें ये डाल रही हूँ सैलेड। एंड आई होप ये पूजा को अच्छा लगे पनीर सैंडविच, पनीर भुर्जी सैंडविच। गाइस यहाँ पर जीरा रोस्ट हो चुका है। सब्जी बना रही हूँ पनीर की, जिसके लिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी। मैं इसमें थोड़ी प्याज डाल देती हूँ। इतनी घबराहट हो रही है ना कि 30 मिनट में इतनी जल्दी कैसे बनेगा। देखो फ्रिज में मुझे क्या मिला, एक नया आइटम चीजी चिपोटले सॉस। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सैंडविच में डाल के इससे और टेस्टी बनाया जाए। टमाटर डाल रही हूँ तो मैं ये और डाल देती हूँ थोड़ी सी, और टेस्टी ही लगेगा ये। ऑफकोर्स कितना सुंदर कलर है, ओह माय गॉड। अभी मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी ताकि पूरे में स्वाद इवन ही पहुंचे। गाइस मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे और आप देख सकते हो ये हमारी प्योरी बन गई है पनीर की सब्जी की। गाइस मैंने मिक्सी में यूज नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। गाइस देखो ये मैं इवनली मिक्स कर रही हूँ पूरे में ये चिपोटले चीजी सॉस। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें पनीर। मैंने कभी भी ऐसे पनीर की सब्जी नहीं बनाई है, हमेशा मिक्सी में बहुत सारे टमाटर प्याज डाल के तब मैंने बारी बनाई है। बट आज हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। मैं अपनी सैंडविच को कट कर देती हूँ इन अ ट्रायंगल शेप ताकि ये अच्छी लगे। हम पूरी तो डालने का फायदा नहीं है क्योंकि पूजा को मिलेंगी आज बहुत ज्यादा डिशेस खाने के लिए, टोटल
7 हमारी प्लेट्स में, और देखते शायद वो भी 7 बनाएंगे या कितनी बनाएंगे। गाइस मैं यहाँ पे सैलेड तैयार कर रही हूँ और इधर मेरी सब्जी बन रही है। गाइस अगेन रिमाइंडर 22 मिनट्स हो चुके हैं एंड प्रियंका इसमें हमें प्लेटिंग भी कर रही है पूरी की पूरी। 8 मिनट बचे हैं तो जल्दी करो, तू पूरी बनाओ। बहुत कर रही हूं गाइस, ये देखो मैं अपनी पूरियां बेलना चालू कर रही हूं। एंड ये सब जो हमारा तेल हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूं पूरी आराम से। गाइस मैं यहाँ प्लेटिंग शुरू कर देती हूँ क्योंकि आपने और मैंने दोनों ने देखा टाइम कितना कम रह गया है, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ हमारी पनीर की एक सब्जी। और गाइस हमारी अभी एक सब्जी बनी नहीं है, नहीं है। ओह माय गॉड गाइस, गाइस ये भी हो गई है। मैं सोच रही हूँ इतने प्लेट लगा लेती हूँ, तब तक ये रखती हूँ इधर। और गाइस ये है हमारी मैगी, बहुत देर पहले बनाई थी तो थोड़ी ठंडी हो गई है, इस प्लेट में मैं डाल देती हूँ। गाइस 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट। एंड गाइस ये जा रहा है हमारा रायता। दिस इज आवर हलवा है, मुझे इसके लिए बहुत अच्छी जगह चाहिए थी। गाइस ये देखो हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आ गया, मैं इसे भी सर्व कर देती हूँ प्लेट में। भी 27 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। गाइस आप इसको प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी करनी है, तो ये खाएंगे हम इससे। मैं सोच रही हूँ इसका ताज बना देती हूँ। और ये वाली भी खानी है हमें इससे, तो इसका भी ऐसे थोड़ा ताज टाइप बना देते हैं। आई डोंट नो ये कैसा दिख रहा है सैंडविच। एंड गाइस इधर आ जाएगी हमारी सैंडविच। अगर टाइम एंड गाइस रायता हमारा थोड़ा अधूरा लग रहा था, तो ये थोड़ा जीरे की गार्निशिंग कर देती हूँ। और गाइस मैं थोड़ा सा इसमें टमाटर भी, हाँ एक गार्निशिंग के लिए भी हमें एक पॉइंट मिलेगा, तो वो सोचना पड़ेगा। गाइस हमें ड्राई फ्रूट्स कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। और उसी के साथ गाइस हमारी बात टाइम का भी हो रहा है। ओके स्टॉप कर दूं मैं? हां जी स्टॉप। गाइस टाइम से पहले कर दे इन्होंने, इसका भी एक पॉइंट होना चाहिए था। तो गाइस ये इन्होंने सारा फूड जो बनाया है 29 मिनट 49 सेकंड्स में, मतलब इन्होंने 30 मिनट भी पूरे नहीं लिए, उससे पहले ही बना लिया। एंड आप देखो मतलब सब कुछ कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, हाउसफुल थाली है। इसमें स्नैक्स भी है, मीठा भी है, रायता भी है और हमारा मेन कोर्स भी है। मतलब ओवरऑल ना थाली बहुत ही ज्यादा यमी लग रही है। एंड अब मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो गई कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। एंड गाइस आप देखो इनके सारे खाने एकदम फुल है, तो एक पॉइंट तो इनको मिल ही चुका है। गाइस एक पॉइंट। गाइस देखो जो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला था वो तो मैं जब तुम दोनों की थालियां देख लूंगी तभी दूंगी, तो वो तो अभी नहीं मिलेगा। और टेस्ट वाला भी पहले उनका करने के बाद ही दूंगी मैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, जहाँ से भी करना है करो, वहाँ से स्टार्ट। ओके ओके, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्राउन टाइप का ऐसा किया है। ओके गाइस फिंगर क्रॉस, इतना मन कर रहा है मेरा भी खाने का, और लेट्स सी कि मुझे क्या बोलेगी। गाइस हमने पनीर की सब्जी भी घी में बनाई है। नहीं वर टेस्टी तो है, वेरी टेस्टी। और गाइस जो मैगी है ना वो पूर्वी ने कुछ अलग टाइप के बनाए थे, पूर्वी बताओ जल्दी से कैसे। गाइस मैंने उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था फॉर द क्रीमीनेस, अब देखते हैं मुझे वो पसंद आता है या नहीं। मेरी तो फेवरेट है। धक 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 हो रही है लाइफ की पूजा यार, सब टेस्ट करे जा रही है और पता नहीं कैसा टेस्ट है। गाइस हमें कुछ भी नहीं पता कि हमने क्या बनाया, हमने टेस्ट ही नहीं करा कुछ भी सच में। गाइस टाइम इतना कम था और ये देखो गाइस ये कट भी हो गया है मेरा, तो हर चीज में पूर्वी। अभी हमारी सैंडविच रह गई, आपको ना दुखी नहीं करना चाहती मैं कुछ ऐसा बोल के, तो वो मैं बाद में बताऊंगी जब दोनों का टेस्ट करूंगी। अभी तक तो सब कुछ वेल जा रहा है। देखो अभी तुम्हें हमारी सैंडविच बाद ट्राई करनी है। आई एम सॉरी, सैंडविच के बाद डेजर्ट आता है ना। ओके 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 गाइस हम पूजा को बताना चाहेंगे कि इसमें हमने बहुत सारे तरह तरह के सॉसेस डाले एंड देखते हैं कैसी लगेगी पूजा। पूजा को मैंने किसी तरह से सॉरी कहा या पीछे वाला पूजा कह रही क्या डाल दिया के लिए कर रही हूं ना। पूजा कह रही है कि क्या डाल दिया ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मैं हां इसमें चटपटे के साथ थोड़ा स्वीटनेस सा टेस्ट है, तो वो मैं थोड़ा कर रही हूं कि कैसा लग रहा है। गाइस ड्राई फ्रूट्स मिले नहीं हमें वरना और स्वाद बढ़ जाता।
गाइस हमारा हलवा भी ना इतना ज्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि मेरे को है पता नहीं उन लोगों को पता चल गया है क्या, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती हूँ हलवा, लेकिन ये मेरे टाइप का हलवा है, लिटरली मेरे टाइप का हलवा है। देखो ठीक है, पता तब देना कि हमें पॉइंट मिला है या नहीं मिला है। अभी तुम 10 में से कितने पॉइंट हमें देना चाहती हो पूरी थाली को? आई गिव यू 8। ओके, ठीक है। तो गाइस हम आगे दूसरी टीम के पास, एंड तुम्हारा टाइमर स्टार्ट होता है अब। भागो। तो गाइस मैंने अपना बेसन निकाल लिया है कंटेनर में। गाइस मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ इसका बैटर बनाने के लिए। गाइस लाल मिर्च तो उन लोगों ने खत्म कर दी, तो हम उसकी जगह चिली फ्लेक्स यूज कर रहे हैं। गाइस हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालने आ रही हूँ ये आलू। गाइस मैंने सेम बैटर में ही प्याज भी डाल दिया, हम प्याज की भी मतलब भजिया बना रहे हैं गाइस, पकौड़ी नहीं भजिया। गाइस आलू की पकौड़ी भी होने वाली है, जस्ट थोड़ी सी रह गई थी। मैंने घी गरम कर लिया और मैं इसमें डालूंगी अपना बेसन। तो गाइस अभी हम ना बेसन को अच्छे से पकाएंगे घी में, ताकि ये कच्चा ना रह जाए, क्योंकि हलवा ना थोड़ा ज़्यादा पका हुआ रहता तभी इसमें स्वाद आता है, वरना उसमें स्वाद नहीं आ पाता। गाइस मैंने अपनी भजिया ना अपने गरम गरम तेल में डाल दिया, इनको भी हम लोग फ्राई करेंगे। गाइस आई एम हियर, मैं बता दूं इनके हो गए हैं 8 मिनट 18 सेकंड ऑलरेडी। क्या क्या बना लिया तुम लोगों ने? कुछ भी। ओ पकौड़ी पकौड़ी बन रही है, हम लोग लड़ रहे हैं। गाइस ये हमारे पनीर के पकौड़े भी बना दिए मैंने आज सब। गाइस यहाँ पे मेरा बेसन जो है वो पक चुका है लगभग लगभग, अब इसमें मैं डालूंगी चीनी और हल्का सा दूध, ताकि अच्छे से हलवे का रूप ले ले। तो गाइस मैं इसमें अब दूध डाल चुकी हूँ, मतलब डाल ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा। गाइस यहाँ पे मैंने पोहा और आटे का डो रेडी कर लिया है, इसमें मसाले वगैरह डाल के अब खुशी इसकी फिंगर्स बनाएगी। गाइस ये हमें मिक्सी तो मिली नहीं, हम इसमें कर रहे हैं कोशिश। 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट लेफ्ट है। गाइस मैं ना ये बेसन का और पोहे का मिक्सचर करके इसको क्रिस्पी बॉल्स के टाइप कुछ बना रही हूँ। गाइस हमें डाल दिया अपने तेल में क्रिस्पी बॉल्स जो मैंने पोहे और आटे की हेल्प से बनाई है। गाइस यहाँ पे मैंने अपने पनीर के क्यूब्स ले लिए, मैंने नमक मसाले डाल दिए, मैं इसमें डाल रही हूँ दही और मैरिनेट होने के रख दूंगी। गाइस हमारे 20 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं 10 मिनट लेफ्ट हैं। गाइस मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, अभी मैं ब्रेड टोस्ट करूंगी, ये रहा उसका बैटर। गाइस मैं यहाँ पे अपनी भेल बनाने के प्याज चॉप कर रही हूँ, और वहाँ पे मैंने अपनी जो भेल है वो चूरन करके रख दिया, मतलब उसको छोटे पीसेस कर दिया मैंने। गाइस ये मैंने पलट दिया है, मैं थोड़ा सा घी इसके साइड पे डाल दूंगी। गाइस मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ना ऑरिगैनो डाल दिया है थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए, मिर्च तो हमारे पास है नहीं। गाइस मेरा ये तो हो चुका है टोस्ट। गाइस ये पनीर के पीस मैंने दही में और थोड़े मसालों में मैरिनेट करके रख दिए थे, और अब मैंने इसमें कोट करके इसमें ऐसे बहुत हल्का सा ही फ्राई टाइप करूंगी। गाइस मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, और मैं इसमें लेमन अब स्क्वीज कर रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा खट्टा सा स्वाद आ जाए। बस तो नींबू भी नहीं निचोड़ रहा, कसम से सब खत्म करके बैठे, सब कुछ तो खत्म कर रखा था, तो हमें जितना भी मिल रहा है ना पता है उसी को ऐसे तोड़ मरोड़ के, जैसे चिली फ्लेक्स हो गई देखो खाली है, चिली फ्लेक्स है नहीं। गाइस ये डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि अब कुछ भी नहीं था तो कुछ तो डालना ही है स्वाद। गाइस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, चम्मच से ना इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, तो मैं इसे इसी वजह से हाथ से मिक्स कर रही हूँ, हाथ मैंने धो लिए थे। तो गाइस क्या क्या रह रहा है तुम्हारा? बस एक चीज बाकी है गाइस, एक मिनट, ये क्या बन रहा है? वो बन चुका है ये वो मैरिनेट करके रखे हुए थे, मुझे लगा बना रहे। और गाइस तुम्हारा टाइमर 25 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट बचे हैं बस। गाइज मैं यहाँ पे ना इसकी हल्के हल्के से कटिंग कर रही हूँ, और गाइज हमने यहाँ पे ना इसकी कटिंग करके इन्हें डेकोरेट करके लगा रहे, डेकोरेशन भी नहीं हो रही है, हमसे पता है जल्दबाजी के चक्करों में। गाइज इनका टाइमर 26 मिनट 42 सेकंड हो चुके हैं, बहुत ही कम टाइम है, हम कोशिश कर रहे हैं पूजा। गाइज 28 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा भी बस चीला पकने वाला है, मैंने टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसे कर दिया है, और मेरी गैस बहुत तेज हो चुकी है। गाइस एक तो पता है हम पे सामान नहीं था, और मतलब हमने ना जैसे तैसे करके तोड़ मरोड़ के बना दिया, बस पूजा रिक्वेस्ट है पास कर देना।
सही बात है गाइस, पैर खेलना चाहिए। गाइस इतनी मेहनत कर रही है, हाथ जोड़ के दिखा रही है, तो ये तो गलत है ना, भीख मांग रही है। बताओ गाइस, बस ये भी हो गया, इसको लाइन में कर दूं मैं, क्योंकि बहुत हो चुका है। 20 सेकंड लेफ्ट है, देख लो गाइस, 20 सेकंड से भी कम हो चुके हैं। 8, 49, 50, 51, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो गाइज हम अपनी प्लेट लेके आ चुके हैं, यहाँ पे हमने बनाया है, खुशी क्या बनाया तू ही बता। गाइज ये है, ये ब्रेड टोस्ट, मैंने इसको बेसन की स्लरी में करके सेका हुआ है। ये है हमारे क्रिस्पी बॉल्स, ये हमारी क्रिस्पी पनीर, और ये है हमारी पनीर के पकौड़े। गाइज ये हमारे पनीर के पकौड़े, ये हमारी भजिया जो मुंबई में मिलती है। गाइस ये है हमारी भजिया जो मुंबई में बोलते हैं, जिनको हमारे यहाँ बोलते हैं प्याज के पकौड़े, बट वहाँ पे बोलते हैं भजिया। और इसी में ही हमने रखी हुई है हमारी आलू की पकौड़ी। इधर है हमारा बेसन का हलवा, ये है हमारी मैगी भेल जिसके ऊपर पनीर की गार्निशिंग करी हुई है, और ये है हमारा बेसन चीला और उसके साथ टमाटो केचप। और गाइस यहाँ धक-धक वाला माहौल बनते हुए तो पूछा टेस्ट करो। गाइस इन्होंने तो बहुत कुछ बना दिया है, और एंड इनका भी एक पॉइंट मिल जाता है क्योंकि इनके भी सारे बॉक्सेस फिल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गाइस वैसे तो पकौड़ी एक ही में आती है, बट इन्होंने तीन तरह की पकौड़ी बनाई है, जैसे ये आलू की, ये भजिया भजिया यानी प्याज वाली, और ये पनीर के। तो ये तीन, एक आप बता देना कि इसको एक कंसिडर करेंगे या फिर तीन। बट गाइस इनकी प्लेट में ना 2 आइटम एक्स्ट्रा है, जैसे ये है क्रिस्पी पनीर और ये है क्रिस्पी बॉल्स। ओके ये 2 आइटम गाइस हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं इन 7 आइटम्स के अलावा। ओके तो गाइस इनको भी एक पॉइंट मिल गया है, वो पूरे बॉक्सेस फिल करने वाला। तो 1-1 अभी तक हमारे दोनों टीम के पास पॉइंट है। अब मैं टेस्ट करती हूँ। इतनी सीरियस रिएक्शन दे रही है, मैं तो यूं देख रही हूँ ये हुआ क्या है। मैं इनका ट्राई करने वाली हूँ, ये ब्रेड टोस्ट। राइट, डरो मत बोलते हुए, सीख गई ना, मतलब मुझे एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है ना क्या क्या है। अच्छा, मतलब हमने कुछ नया ट्राई कर दिया आपके लैंग्वेज में। अभी तक मैंने 3 फूड आइटम टेस्ट करे हैं, और उसमें से मुझे सबसे ज्यादा ये दोनों अच्छे लगे हैं। चीला में थोड़ा सा नमक वगैरह कम है। गाइस मैं बताऊं क्यों, क्योंकि हमारे पास मिर्च नहीं थी, सिर्फ इसमें नमक ही डाला हुआ है। मैंने हर बार बोला खाना बनाते हुए कि हमारे पास सामान नहीं है। स्वाद लेके खाओ ना, ऐसे क्या झपड़ा झपड़ी में खा रहे हो। वो क्रंचनेस मिक्स, मैं तो एक्सप्रेशन देख रही हूँ क्या क्या एक्सप्रेशन है। ये भी टेस्टी लग रहा है। वाह, चलो कहीं पर तो रिएक्शन आया। गरम तो नहीं है ना? ये हमारी आलू की पकौड़ी बिना मिर्च वाली। ये मैं बता दूं गाइस, मैं बेसन का हलवा पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, तो आई डोंट नो। वो देखते देखते मेरी हालत खराब हो जाती है। नहीं यार सच में, मैंने पहली बार ट्राई कर रहा है, और ये इन सब में से सबसे बेस्ट है। गाइस इन लोगों ने मेरे इतना ज्यादा हार्ड कर दिया ना, कि मैं कैसे बताऊंगी किसकी थाली सबसे ज्यादा डिलीशियस थी, क्योंकि दोनों की बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है अलग अलग, क्योंकि वैरायटीज दोनों की अलग थी और टेस्ट भी इनका अलग आ रहा है। इन्होंने मैगी बनाई थी, मिल्क वाली मैगी बनाई थी तुमने, इन्होंने भेल वाली मैगी बनाई है, इनका हलवा था सूजी वाला, इनका बेसन वाला है, एंड इनके ब्रेड टोस्ट है, तुम्हारा सैंडविच था, तो मुझे सैंडविच बहुत ज्यादा यमी लगा था। सेम इनके में मुझे हलवा बहुत ज्यादा यमी लगा है। अब मैं बहुत ज्यादा कहती हूं। तो गाइस मैं बताती हूँ, इसमें जो थाली में रखा हुआ है वो एकदम फूड ऐसा है जैसे आप नाश्ते में खाते हो, लेकिन इन लोगों ने जो करा था वो प्रॉपर, जैसे थाली होती है ना, रायता पूरी सब्जी प्लस उसमें स्नैक्स भी थे, स्वीट भी था, तो वो एक प्रॉपर थाली बन रही थी। तो वो जो मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट था वो मैं देना चाहूंगी पूरी और प्रियंका को। और गाइस टेस्ट में भी मैं बताना चाहूंगी कि टेस्ट में भी मुझे वही थाली ज्यादा बेहतर लगी अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि मतलब है इसमें थोड़ा सा जो टेस्ट है ना, जैसे इन्होंने क्रिस्पी बॉल्स बनाए थे, ये ऊपर से क्रिस्पी है लेकिन अंदर से जो टेस्ट है वो थोड़ा कम है।
सेम इसमें कि जो पनीर है बहुत ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से थोड़े से कम क्रंची है, तो ये है इनका थोड़ा, बट हलवा टॉप पर है इनका। एक चीज से तो मैं इनको जिता नहीं सकती हूँ। और गाइस विनर कौन है इस चैलेंज का? पूर्वी एंड प्रियंका, तो ये जीत चुके हैं चैलेंज। और गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब चैलेंज होता है, विनर होता है, तो वहां पे प्राइज भी होता है, तो वो प्राइज है 2000 रुपीज। जल्दी जल्दी जो भी मेहनत करी ना वो रंग लाई था, हम बहुत खुश है, ये मेहनत का पैसा है। तो गाइस आप भी बताना आपको किसकी थाली बेस्ट लगी है, क्योंकि आपके रिव्यू भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। बट गाइस मेहनत हम दोनों ने की है, 30 मिनट में इतना कुछ बनाना, मेरी नजरों में तो हम दोनों ही विनर है। तो गाइस ये चैलेंज हमारा कहीं पर ओवर होता है, अगर आपको देखने में मजा आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से चैलेंज के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय। अरे हम सब मिलके पार्टी करेंगे।